लोकेशन धौलपुर, रिपोर्टर मुन्ना फारूकी। जिला ओलंपिक संघ के चुनाव में उपेंद्र दत्त शर्मा अध्यक्ष एवं केशव राणा महासचिव बने। धौलपुर के सभी खेल संघों की हर संभव मदद करेंगे। उपेंद्र दत्त शर्मा चुनाव अधिकारी बाबूलाल वशिष्ठ सेवानिवृत्त व्याख्याता ने आज जिला ओलंपिक संघ के चुनाव आगामी 4 वर्ष के लिए 2021 से 2025 तक राजस्थान ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष नरेंद्र निर्वाण की देखरेख में संपन्न करवाए। नव निर्वाचित पदाधिकारी ये चुने गए। मुख्य संरक्षक शैलेंद्र सिंह बोहरा हॉकी संघ, अध्यक्ष उपेंद्र दत्त शर्मा तीरंदाजी संघ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष देवेंद्र जादौन तैराकी संघ, उपाध्यक्ष के गर्ग साइकिलिंग संघ, उपाध्यक्ष राजकुमार डागोर बैडमिंटन संघ, उपाध्यक्ष अनूप अस्थाना बेसबॉल संघ, महासचिव केशव सिंह राणा खो खो संघ, सचिव हरेंद्र कुमार कुश्ती संघ, संयुक्त सचिव गुफरान दाऊदी फेंसिंग संघ, संयुक्त सचिव सत्यभान बैंसला जूडो संघ, संयुक्त सचिव विजय शर्मा कॉर्फबॉल संघ, संयुक्त सचिव चंद्रमोहन पराशर शूटिंग बॉल संघ, कोषाध्यक्ष लोकेंद्र सिंह गुर्जर साइकिलिंग संघ, कार्यकारिणी सदस्य ऋषि मोरिया रोल बॉल संघ, इरफान दाऊदी बॉडी बिल्डर संघ, हीरा सिंह एथलेटिक संघ, मंडलीय स्वर गुर्जर पावर लिफ्टिंग संघ। निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए नव निर्वाचित अध्यक्ष उपेंद्र दत्त शर्मा ने कहा कि धौलपुर के सभी खेल संघों को साथ लेकर कार्य करेंगे। हर खेल संघ को आर्थिक सहायता के लिए तैयार रहेंगे। जिले में खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु प्रयासरत रहेंगे। हॉकी संघ के अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह बोहरा ने कहा, राज्य सरकार की स्कीम से खिलाड़ियों को अवगत करवाने हेतु कार्यक्रम कर अभियान चलाया जाएगा। खिलाड़ियों को हर संभव मदद दिया जाएगा। इस मौके पर जितेंद्र सिंह रजौरिया, डॉ आशीष शर्मा, सोनू त्रिवेदी, शाहिद कुरेशी संचालन सुरेंद्र गुर्जर ने किया। जिले के अंदर सब संघों को संग लेके चलेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं, जो भी प्रतियोगिता कराई है, अभी नंदी गंदाजी की प्रतियोगिता कराई थी, और कराई थी, भविष्य में जो भी गेम होंगे, जो भी एक्टिविटीज होंगे, उन सबका पूरा ध्यान रखेंगे, पूरी कार्यक्रम ध्यान रखेंगे। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूंगा, वो भी अपना अनुमोदन संबोधन प्रस्तुत करें। सम्मान्य मंच, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, सबसे पहले समय बहुत बलवान होता है और जो समय को नहीं समझ सकता, समय उसको उखाड़ के बाहर फेंक देता है। बदलाव समय की देन है और बदलाव को स्वीकार करना मनुष्य को करना चाहिए। वो प्रेम से करे तो अच्छा, नहीं करेगा तो भी उसको समय बदल देगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो चीज है जो मैं मेरे को वापस से पद पे बैठाया गया पिछले 4 साल से भी था, लेकिन हमने एक बात कभी भी सामाजिक तौर पर नहीं बोली, कभी भी नहीं बोली। 4 साल से स्तर पर समय आया, छोटा हूं क्योंकि मैं जब छोटा था जैसा सवाल बहुत बड़ा था, मुझे कोई टेंशन लगता है। मेरे दोस्तों में परिवार के बहुत अच्छे संबंध बन सकते, मैं गया था, प्रस्ताव रखा था,